हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे कि अगर आप कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड ब्रांड शुरू करना चाहते हैं, खुद की मार्केटिंग कंपनी कॉस्मेटिक्स में शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन रिक्वायरमेंट की जरूरत होगी और आपको किस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा जनरल डिस्कशन करेंगे इस बारे में। आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन की तरह कॉस्मेटिक्स भी जब प्रोडक्ट की बात आती है तो उनमें भी केवल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट की, केवल वो ही रेगुलेटेड होती है। जब उसकी सेल, परचेज या डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, रिटेल की बात आती है, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में हमें सेल करने के लिए, रिटेल करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए किसी प्रकार के ड्रग लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, केवल हमें उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉस्मेटिक्स मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की जरूरत होती है। तो आप अगर खुद की कॉस्मेटिक्स मार्केटिंग कंपनी शुरू करना चाहते हैं, खुद के ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो जो उसका जनरल प्रोसीजर रहेगा, जो उसका स्टेप वाइज प्रोसीजर रहेगा, तो जो आप मार्केटिंग कर सकते हो वो आप एज ए फर्म भी कर सकते हो, एज ए कंपनी भी कर सकते हो। तो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन। बिजनेस रजिस्ट्रेशन में या तो आप अपना फर्म रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अपनी लोकल अथॉरिटी को, अगर आप चाहो तो अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो कंपनी एक्ट के अंदर। आप कंपनी रजिस्ट्रेशन में 1% कंपनी भी करा सकते हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी करा सकते हो, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी करा सकते हो। जो फर्म रजिस्ट्रेशन में आता है तो आप जो भी लोकल आपकी बॉडी में वहां पे जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है लोकल अथॉरिटी के, वो करा सकते हो। उसके अलावा आप जीएसटी नंबर ले सकते हो तो वो भी आपकी फर्म रजिस्ट्रेशन ही हो जाएगा एक तरह से। तो ये आपका जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन का गया। उसके बाद आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जा सकते हो। जो भी आपके ब्रांड नेम्स वगैरह है, जो भी आपके कंपनी नेम वगैरह है, उसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपकी ये रहेगी उसको सिक्योर करने के लिए आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में जा सकते हो। आप अपनी कंपनी का नाम ट्रेडमार्क करा सकते हो, अपने ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क करा सकते हो। अब आते हैं थर्ड स्टेप के बारे में। थर्ड स्टेप जो रहेगा वो रहेगा कि आपको कौन से मॉलिक्यूल लॉन्च करने हैं, वो डिसाइड करने के लिए आपको कौन कौन से मॉलिक्यूल आपको लॉन्च करने हैं, आपको क्रीम में करना है, ऑइंटमेंट में करना है और किस सेगमेंट में जाना है, वो सब आप यहाँ पे फाइनलाइज करिए। अब आते हैं फोर्थ स्टेप पे। अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करते हैं वो रहेगा आप अपने लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर या थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर आप सर्च करेंगे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। इसमें क्रीम, ऑइंटमेंट, टूथपेस्ट, बहुत सारी रेंज है, एक बहुत बड़ी रेंज आ जाती है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, उसके हिसाब से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर आपको फाइनलाइज करने की जरूरत है, सर्च करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपके चार स्टेप क्लियर हो जाते हैं। अगर आप फिफ्थ स्टेप पे बात आती है तो जो भी आपका थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर आपने फाइनलाइज किया है, उसके साथ जो भी आपकी टर्म एंड कंडीशन रहेगी, जो भी एग्रीमेंट रहेगा, उसको आप फाइनलाइज करिए। जो आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह है वो फाइनलाइज करिए, जो आपके स्पेसिफिकेशन है उनको क्लियर करिए। तो उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर को बता दीजिए और उसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में चला जाएगा। जो सिक्स स्टेप में आएगा वो ये रहेगा, वो सारा मैन्युफैक्चरिंग एंड पे होगा। तो वो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोडक्ट को पैक करेगा और आपको वो रेडी टू सेल प्रोडक्ट, जिसको आपको सिर्फ मार्केट में बेचना रहेगा, वो प्रोवाइड करेगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें यही रहेगा कि जो मैन्युफैक्चरर है, जो भी आपकी पेमेंट टर्म कंडीशन है, उसके क्लियर होने के बाद वो आपका मटेरियल वहां से डिस्पैच कर देगा और आप उसको रिसीव कर लेंगे। उसके बाद आप उसको मार्केटिंग कर सकते हैं जिस भी वे से आपने फाइनलाइज किया है कि आपको किस वे से मार्केटिंग करनी है। आपको उसको ऑनलाइन सेल करना है, आपको उसको ऑफलाइन सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट करना है, खुद की सेल टीम रखनी है, एक्सपोर्ट करना है, जिस भी वे में आपने उसको फाइनलाइज किया है उस वे में आप उसको सेल कर सकते हो और अपना कॉस्मेटिक्स मार्केटिंग कंपनी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।